आरबीआई के स्वायत्तता पर जो सरकार का हमला है, मोदी सरकार का हमला, उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। सिर्फ कोई टेलीविज़न पर क्या डिबेट चल रहा है कुछ अरुण जेटली के बीच में और उर्जित पटेल के बीच में, इसका मामला नहीं है। ये एकदम हमारे आपका हर किसी का, हर नागरिक की परेशानी होनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, इसलिए कि दरअसल ये झगड़ा है क्या। आरबीआई ने, आप लोग जानते ही हैं कि जो इतने बड़े जो जिसको हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी ऐसे लोन जो आरबीआई ने दिया है, जो बैंकों ने दिया है, और बहुत सारे जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उन्होंने उसको लौटाया नहीं, ये बहुत भारी भरकम कई लाख करोड़ का मामला है, 10 लाख करोड़ का कहा जा रहा है कि उतना बड़ा मामला है ये, और उसको आरबीआई जो इसे ठीक करने के लिए संभालने की कोशिश में है, उसमें आरबीआई ने बैंकों से कहा कि आप इसमें अब लाग लपेट मत करिए, आप इसमें लीपापोती मत करिए, आप इसमें साफ साफ सही सही कह दीजिए कि कितना दरअसल आपने दिया है जो इस तरह का है, जो सचमुच नहीं लौटने वाला है, नहीं लौटेगा, इसको आप बता दीजिए। और जो ऐसे लोग हैं जो इसे नहीं लौटा पा रहे हैं, वो या तो अपने आप को दिवालिया घोषित करें और नहीं तो लौटाएं। अगर लौटा नहीं पा रहे हैं तो वो अपने आप को दिवालिया घोषित करें, उस एक प्रक्रिया में जाएं जो प्रक्रिया पहले से सेट है। इसके लिए जब आरबीआई ने कहा कि हम ये कह रहे हैं, तो सरकार इसके पक्ष में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जितने लोग हैं जिन्होंने भारी भरकम लोन लिए हैं और लौटा नहीं रहे हैं, वो तो सब मोदी जी के मित्र हैं, सरकार के मित्र हैं, ठीक है। और उनमें से तो कुछों को तो भागने में ही मदद कर दिया है मोदी जी ने, ऐसे इतने सारे लोगों को भागने में मदद किया है हमारे बैंकों को लूट करके, विजय माल्या का ही उदाहरण ले लीजिए। और अभी लेकिन वो नहीं चाहते हैं बिल्कुल कि कोई कड़क कदम लिया जाए इन चीज़ों को, इस स्थिति को संभालने के लिए। दूसरी बात जो है वो ये है कि आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक है। आरबीआई के पास हमेशा, जैसे दुनिया भर में कोई भी जो स्थायी देश होगा उसके इस तरह के बैंक के पास में, रिज़र्व बैंक के पास में, वो रिज़र्व बैंक क्यों कहलाता है, इसका मतलब उसके पास एक कंटिंजेंसी रिज़र्व होती है। कंटिंजेंसी रिज़र्व का मतलब है कि वो बहुत भारी संकट में ही आप उस पर हाथ डालेंगे, आप किसी साधारण आपकी जो परेशानी है उसमें आप हाथ नहीं डालेंगे। आप उस तरह से सोच सकते हैं कि आप अगर घर चला रहे हैं तो उसमें जो भी आपके कुछ इस तरह का हो सकता है, जो जेवरात हैं या ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आप रखते हैं, आप उसको सब्जी भाजी खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, आप छोटी मोटी चीज़ों के लिए, रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ तक कि आप जो है कोई किसी की बीमारी के लिए भी आप इस्तेमाल नहीं करते, आप किसी तरह और रास्ते देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपके पास एकमात्र पूंजी है जो किसी दिन किसी ऐसे संकट में वो आपको कुछ स्थायित्व देगा, बचाएगा। अब पूरे देश के स्तर पे सोचिए तो ये किसी भी देश को, तो देश की सरकार को उस तरह के रिजर्व फंड पे तो कभी नहीं हाथ डालना चाहिए, लेकिन ये सरकार हाथ डाल रही है। क्यों? या तो मोदी सरकार पूरे देश को कहें कि हाँ, हमने 4 साल में 4.5 साल में इस देश को ऐसे संकट में पहुंचा दिया है कि वाकई में हमारे पास में हमारे कड़की हो चुकी है, हम एकदम दिवालिया लुट गया है, दिवालिया हो गए हम लोग, और इसलिए हमको हाथ डालना पड़ रहा है, रिज़र्व बैंक हमें पैसा दें। लेकिन वो ऐसा भी तो नहीं कह रही। असल मामला क्या है? असल मामला ये है कि सरकार चाह रही है कि ये जो 4-6 महीने बचे हैं, तो भाई 4-6 महीने बाद तो 2019 के चुनाव आ जाएंगे, चुनाव के समय जो 2-3 महीने होंगे चुनाव से पहले, उसमें तो जनता पूछेगी जगह जगह जा करके आपसे कि भाई आपने हमारे लिए क्या किया, आप तो बड़े बड़े वादे किए थे उसमें से एक भी आपने नहीं पूरा किया। वो जब आप पूछेंगे तब आप चाहते हैं, माने सरकार चाहेगी कि हम जल्दी जल्दी से कुछ बड़ा बड़ा खर्चे कहीं कहीं करके दिखा दें कि देखिए हमने ये किया। इसके लिए वो चाह रही है कि आरबीआई के कंटिंजेंसी रिजर्व में हाथ डालें, वहाँ से वो पैसा लेकर के करें। क्यों भाई? पिछले 4.5 साल में सचमुच में अगर आपने देश में उन्नति अगर अप्लाई होते, विकास किए होते जितना आपने वादा किया था, तब तो आपके हाथ में ऐसे पैसा होता, आप उससे करते। यहाँ तक कि याद करिए कि मोदी सरकार ने कहा था कि नोटबंदी जो हम करें, नोटबंदी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नोटबंदी से जितना काला धन है उसको हम वापस लाएंगे सिस्टम में, और वो जो काला धन हम जब्त करेंगे हमारे पास में आ जाएगा वो सारा धन, वो धन जो लौटेगा उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे लोगों के लिए, गरीबों के लिए घर बनाने के लिए इत्यादि। याद करिए कि ये मोदी ने भाषणों में कहा, भाजपा वालों ने नीचे नीचे, आरएसएस वालों ने फैलाया इसको। अब बताइए, घर बना? घर तो नहीं बना। क्यों? पैसा आया? एक बिल्कुल ही पैसा नहीं आया, उल्टा पैसा खर्च हो गया आरबीआई का फालतू का, नए नोट छपवाने में और क्या क्या, नए एटीएम बनवाने में और क्या क्या, और पैसे तो आए ही नहीं,
काला धन बिल्कुल नहीं लौटा नोटबंदी से, लेकिन इस झूठ पर सरकार किसी सवाल का जवाब नहीं देती। और सरकार क्या कह रही है अभी, आरबीआई तो ये कह रही है कि देखिए हमारे पास आपने नोटबंदी हमसे करवाया, उसमें आरबीआई संस्था का आपने पूरी तरह से साख खत्म कर दिया, नाक काट दिया। आप आरबीआई के बारे में ये चर्चा होने लगी कि भाई ये लोग क्या नोट गिनना नहीं जानते, क्या हो रहा नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें आरबीआई के अपने जितने उसमें कहते हैं ना वाइज लोग, जो सोचने समझने वाले लोग हैं, उनके एडवाइस के बिना, उनके एडवाइस को नज़रअंदाज करके आपने नोटबंदी की, उस सारी चीज़ का बर्डन आरबीआई ने बेयर किया। लेकिन अब आरबीआई कह रही है कि भाई इसको आप और कितना करेंगे, जितना कुछ है हमारे पास में, जिससे हम लोग थोड़ा बहुत भी अगर देश हित में सोचते हैं तो हमें ये नष्ट नहीं होने देना चाहिए। हम रिजर्व कंटिजेंसी रिजर्व को ख़त्म करने कैसे दे सकते हैं किसी सरकार को, आज जब हमारी राय नहीं हम कहेंगे, या हम कैसे ये अलाउ कर सकते हैं कि सारी बैंकें जो हैं वो इतनी लाखों करोड़ों में चला जाए एनपीए और हम इसको रिटर्न करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, ये कैसे हो सकता है, ये आरबीआई कह रही है। सरकार क्या कह रही है, सरकार ये कह रही है कि देखिए आरबीआई जो है वो तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जनता के प्रति जवाबदेह तो नहीं है, जनता के प्रति जवाबदेह तो चुनी हुई सरकार है, जनहित के लिए सोचना और जनता के लिए जवाबदेह जो सरकार है उसको पैसे कैसे खर्च करने हैं, जनहित में खर्च करने, ये तो सरकार को ही तय करने का ये होना चाहिए, आरबीआई थोड़ी तय करेगी किसी टेक्निकल इससे आधार पर। तो बात तो सही है, अगर ये जनहित की बात होती तो हम कहते बिल्कुल, तो पूछना होगा किस जनहित में आपने खर्च किया भाई, पिछले 4.5 साल में जो आपको मौका मिला आपने किसानों के क्या ऋण माफ़ किए, नहीं किए, आपने कितनी नौकरियां पैदा किए, आपने तो कहा था 1-2 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे, आपने नहीं किए, उल्टे नौकरियां नष्ट हो गई। आप बताइए कि आपने क्या नए कितने यूनिवर्सिटी कॉलेज खोले, नहीं खोले, आप उल्टा जियो इंस्टीट्यूट को खोलने में मदद कर रहे हैं, आपने जितने एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी से उसको नष्ट कर रहे हैं, उसमें कटौती, यहां तक कह रहे हैं कि अब जर्नल के पैसे नहीं देंगे, लाइब्रेरी लैब के पैसे नहीं देंगे, ये आप कर रहे हैं। आप पैसा जनहित में कहाँ खर्च कर रहे हैं, आप दरअसल पैसा लूटे हैं अपने मित्रों यारों को, जो आपके पूंजीपति यार हैं उनकी मदद में आपने जनता का पैसा लूटा है, और अब आप चाह रहे हैं कि ये पिछले लास्ट 4-6 महीने में इसमें आप आरबीआई का जो जनता का पैसा है जो रखा हुआ है किसी बहुत भारी संकट के किसी दिन के लिए, देश को बचाने के लिए जो है, उस पर आप हाथ डाल करके अभी आप चुनाव के लिए अपने कुछ स्कीम्स में पैसा खर्च करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये तो जनहित है नहीं, ये कोई जनहित नहीं है जिसके लिए आप कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जिस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, इसमें एक चीज़ यह है कि ये बैंकों के बारे में सरकार कह रही है कि अच्छा बैंकों का हम कुछ मर्जर कर देते हैं, यानी हर बैंक का अगर हम देखेंगे तो वो एनपीए का जो अमाउंट है, जो उसने लोन दिया और नहीं लौट गया है, वो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो उन नंबर्स में थोड़ी सी छेड़छाड़ करने के लिए, ताकि वो लगे कि कम है, वो कह रहे हैं कि 3-3 बैंक को हम एक बैंक बना देंगे, हम मर्जर कर देंगे, और उससे वो माने वो जो लगेगा कि उस बैंक पर वो बर्डन, एक बैंक पर वो बर्डन थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन इसके भी क्या मायने सोचिए, एक तो ये कि अगर आपने 3 बैंक को मर्ज किए तो उसमें समझिए कि हज़ारों नौकरियाँ नष्ट हो जाएंगी, ढेर सारे बैंक एम्प्लॉयज़ जॉबलेस हो जाएंगी, उनकी नौकरियाँ चली जाने वाली। दूसरा ये कि सरकार क्या चाहती है ऐसा करके, वो चाहती है कि सब कुछ इकट्ठा करके एक जगह हमारा ये बैंक पर भी कब्जा हो जाए, जैसे वो आरबीआई पर कब्जा करना चाहती है, आरबीआई पर एक इमरजेंसी सेक्शन, सेक्शन 7 लगा करके, जो किसी सरकार ने आज तक कभी नहीं किया, उसको करके वो आरबीआई पर कब्जा करके वो आरबीआई को नष्ट करना चाहती है, उसकी स्वायत्तता पर हमला करना चाहती है। उसी तरह से वो बैंकों को अपने कब्जे में लेकर के क्यों लेना चाहती है, क्योंकि कल को उसको निजीकरण करने में मदद मिल जाए, और निजी बैंक अगर इतने ही बढ़िया है, सरकारी बैंक ही अगर खतरे में है, तो आखिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ क्यों था, जरा याद करिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण उस समय हुआ था जब निजी बैंक भयानक संकट में थे, निजी बैंक अपना कुछ नहीं चला पा रहे थे, उस समय राष्ट्रीयकरण किया जाइए, जान लीजिए। और आज आप कह रहे हैं कि अच्छा सरकारी बैंक नहीं चलेंगे, चलिए निजी को दे देते हैं, सब कुछ उखाड़ करके आप निजी को दे दीजिए, इस चक्कर में ये सरकार लगी हुई है। और सारी जितनी इस तरह की संस्थाएं, आप देख लीजिए कि मोदी सरकार क्या कर रही है, जितने इस तरह के आर्थिक संस्थाएं हैं वो ओएनजीसी से ओएनजीसी से उसने जीपीएससी की मदद करवा दी है,
जो दरअसल संकट में है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो पूंजीपति हैं जो बहुत ही नज़दीकी हैं मोदी सरकार के, उनके डील की वजह से वो संकट में हैं। तो उसमें आप ONGC जैसे सरकारी संस्था से आप मदद करवा रहे हैं, LIC से आप क्या क्या करवा रहे हैं, LIC के एम्प्लॉयज़ के अपने राय के विरुद्ध जा करके LIC से आपने LIC के कंधे पर आपने IDBI बैंक का जो संकट है उसको डाल दिया और कह दिया कि अब आप संभालिए, और आप ILNFS के साथ भी इसी तरह से करना चाह रहे हैं। इस पर अगर आप लोग और जानना चाहें तो हमारे वेबसाइट पर भी आर्टिकल्स होंगे जिसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि संकट में पहले चीज़ों को डालिए और उसके बाद में जो सरकारी संस्था आपके हर संकट में मदद दिए हैं, काम दिए हैं, बड़ी मुश्किल से बनाई गई संस्थाएँ हैं जो इस देश को एक तरह से स्थायी रखती हैं, उन संस्थाओं को आप नष्ट करके आप वो सारा संकट उनके सर पर मढ़ रहे हैं। ये दरअसल बात है। और इसमें हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि आखिर बैंक क्या होते हैं, बैंक में किसका पैसा है, बैंक में तो हमारा आपका पैसा है, आम लोगों का ही तो पैसा वहाँ बैंक में है, उस आम लोगों के पैसे का क्या इस्तेमाल होगा नहीं होगा ये कैसे आप छोड़ देंगे सरकार पर, कि सरकार उसका दुरुपयोग करके अपने अपने जो बड़े बड़े पूंजीपति मित्र हैं उनका मदद करेगी, इससे हमारा पैसा रहता है इन बैंकों में, तो ये बैंक का क्या होगा, उसमें कैसी नीति बनेगी, क्या होगा, इसके बारे में पूरा सब कुछ जानने के लिए हमारा अधिकार है, हम नागरिक हैं देश के, तो हमारा ये पूरी तरह से अधिकार बनता है कि हम जानें। लेकिन हम इसको ध्यान रखें कि ये एक अनफोल्डिंग चीज़ है, ये एक और इस तरह से मोदी सरकार का हर संस्था के साथ में क्यों लड़ाई हो गया। हाँ, एक पॉइंट जो मेरे से रह गया था वो जरूरी पॉइंट था, वो ये था कि आप याद करिए रघुराम राजन ने मोदी सरकार को एक लिस्ट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप इतने सारे जो बड़े बड़े डिफॉल्टर्स हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया है और लौटा नहीं रहे, उनको आप ये लिस्ट है उस पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए कह करके उन्होंने लिस्ट दिया। वो लिस्ट पब्लिक के सामने जारी नहीं हुआ है, उसको सरकार क्यों दबा के रखी हुई है। भाई जो किसान नहीं दे पाता लोन, उसको तो शर्मिंदा करने का काम सरकार के लोग करते हैं, नाम पब्लिक करते हैं, उसमें किसान को जो है आत्महत्या तक ढकेल देते हैं और किसान को किसान का ऋण नहीं माफ़ करते। ये जो बड़े बड़े माने जनता के पैसा को लूट करके जो लोग हैं जो सिर्फ अपने निजी मुनाफे के लिए जनता का पैसा लूट रहे हैं, ये नहीं कि किसान तो संकट में पड़ता है जब कुछ उसके जीवन में संकट आता है और किसान कृषि नीतियों की वजह से संकट में, ये सारे अपने मुनाफा करने के लिए वो जनता का पैसा लूटे हैं, उनका लिस्ट आप क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। और यहाँ तक कि आपके मुरली मनोहर जोशी भाई, वो तो खुद BJP के वो मार्गदर्शक मंडल और क्या क्या में हैं, उनकी कमिटी ने कहा कि इसको पब्लिक करिए और इस पर कार्रवाई करिए, वो भी आपने नहीं किया, क्यों, आपको क्या डर लग रहा है कि अगर वो लिस्ट जारी हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि वो तमाम लोग जिनको आपने देश से भागने में मदद की है उनका नाम भी शायद उस लिस्ट में हो और वो जानते हुए आपने भागने में मदद की, तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। ये जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ बड़े बड़े चैनल जो लगातार आपको बताएंगे कि घोटाले तो पुराने ज़माने में होते थे, पिछले की सरकारों में होते थे, इस सरकार तो में कोई घोटाला नहीं है और क्या क्या, और मोदी जी तो हमेशा कहते हैं कि हमारे पास तो परिवार नहीं है, हम किसके लिए लूटेंगे, मैं तो परिवार नहीं है, तो एक तो कहना होगा कि मोदी जी आप तो अपना जो भी आपका परिवार है, जो भी लोग हैं उनको तो आप तो बड़े ख़राब ही हालत में रखे हुए हैं, आप किनको अच्छे हालत में रखना चाहते हैं वो तो साफ़ है, ना देशवासियों को आप अपना मानते हैं, ना वो आपके अपनों को शायद आप अपना मानते हैं, आप जो आपके अपने परिवार के हैं आप किसको अपना मानते हैं, आप तो उन बड़े बड़े पूंजीपतियों को ही तो अपना मानते हैं, उन्हीं अपनों के लिए आप देश को लूट रहे हैं, उन्हीं अपनों के लिए आप सारे नीतियाँ बना रहे हैं, नीतियों को तोड़ मोड़ रहे हैं, देश के तमाम जो संस्थाएँ हैं उसको नष्ट कर रहे हैं, ये तो आप ही कर रहे हैं, और इसलिए हम तो याद रखेंगे इसको और देश की जनता ज़रूर याद रखेगी और इस पर बहुत कड़ी नज़र रखेगी, और आप जो आँख में धूल झोंकने की कोशिश करेंगे, हमारी आँखों में धूल झोंकने की कोशिश करेंगे, हम बिल्कुल आपको नहीं करने देंगे।